बार्बी डॉल का रोचक इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वीनू टॉक्स में। आज हम बात करेंगे बार्बी डॉल के इतिहास के बारे में। बार्बी डॉल को कौन नहीं जानता। आज भी इसका नाम सुनते ही कुछ लोगों की बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। बचपन में करीब करीब हर बच्चे की इस खास गुड़िया के साथ खेलने की चाहत होती है। खास कर लड़कियों का तो यह सबसे पसंदीदा खिलौना होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस डॉल की कहानी को जानते हैं। दुनिया भर के बच्चों के बचपन को खास बनाने वाली है ये बार्बी डॉल। बार्बी के पीछे रूथ हैंडलर थी, जिसने 1945 में अपने पति के साथ मेटल इंक की स्थापना की थी। बार्बी डॉल का स्वरूप एक जर्मन कॉमिक स्ट्रिप चरित्र पर आधारित लिली नाम की एक गुड़िया पर बनाया गया था। बाद में यही लिली गुड़िया अपने नए अवतार बार्बी के रूप में बच्चों में बेहद लोकप्रिय हो गयी। बार्बी डॉल को बनाने के पीछे रूथ को अपनी बेटी बारबरा से प्रेरणा मिली। 1945 में मिक्की माउस क्लब टीवी कार्यक्रम के प्रयोजन के साथ मेटल बच्चों के लिए विज्ञापन का प्रसारण करने वाली पहली खिलौना कंपनी बन गई। बार्बी डॉल बनाने के पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। बार्बी डॉल को बनाने से पहले रूथ हैंडलर अपने पति इलियट हैंडल के साथ गुड़िया घर के लिए फर्नीचर बनाती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बारबरा और उनकी सहेली कार्डबोर्ड की गुड़िया से खेलते वक्त बड़ी ही खुश थी। वह उस गुड़िया में अपने बड़े होने की छवि देख रही थी। वे उस गुड़िया का ऐसा ध्यान रखती थी जैसे की बड़े होने पर अपना ध्यान रखने वाली थी। बारबरा और उसकी सहेलियां कार्डबोर्ड की गुड़िया को बढ़िया से बढ़िया पोशाकें पहनाती और उसका आकर्षण मेकअप करती। यह देखकर रूथ ने उन लड़कियों से पूछा कि क्या उन्हें इस तरह की गुड़िया बहुत पसंद है। तुरंत ही सभी लड़कियां बोली, बहुत ही पसंद है, काश ऐसी गुड़िया सचमुच में होती तो कितना अच्छा होता। फिर क्या था, रूथ ने अपनी बेटी और उसकी सहेलियों का सपना पूरा करने की ठान ली। उन्होंने जगह जगह पर तरह तरह की गुड़ियों को देखा और फिर स्वयं अपनी कल्पना अनुसार गुड़िया बनाने की सोची। हालांकि हैंडलर को जल्द ही पता चल गया था कि उत्पादन की लागत अधिक होने के कारण उन्हें गुड़िया को जापान में बनवाना होगा। हैंडलर जापान गई और अलग अलग खिलौना उत्पादकों से कई सालों तक कई प्रयोग करवाए। आखिरकार वे $3 में एक गुड़िया बनाने में कामयाब हो गए। हालांकि गुड़िया को पोशाकों के साथ बनाना काफी महंगा था, लेकिन रूथ ने हार नहीं मानी। व्यस्त गुड़िया बनाने के कारण उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन वे बेपरवाह रही। गुड़िया का नाम अपनी बेटी बारबरा के नाम पर बार्बी रखा। बाजार में आते ही बार्बी सुपर हिट रही और जल्द ही उनकी कंपनी मेटल अमेरिका के सबसे बड़े खिलौना उत्पादकों में से एक बन गई। 5 साल बाद ही मेटल की सालाना बिक्री $100 मिलियन हो गई थी और इसे पहली बार फॉर्च्यून 500 में सूचीबद्ध किया गया। 1961 तक बार्बी गुड़िया के लिए भारी उपभोक्ता मांग को देखते हुए मेटल कंपनी ने बार्बी के लिए एक बॉयफ्रेंड भी बनाया। रूथ हैंडलर ने अपने बेटे के नाम पर उसे केन का नाम दिया। 1963 में बार्बी का सबसे अच्छा दोस्त मीच निकला। उसकी छोटी बहन स्कीपर ने अगले ही वर्ष की शुरुआत की। इसी तरह तमाम अटकनों के बावजूद रूथ की बार्बी ने तहलका मचा दिया। तो दोस्तों, ये थी बार्बी डॉल के पीछे की कहानी। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप यह पहले जानते थे या नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।